रिकॉर्डिंग हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात कर रहे हैं पायथन के ऊपर। तो हमने पिछले दो तीन क्लासेस में पायथन के अंदर हमने इफ कंडीशन, इफ एंड, इफ एल्स और के बारे में जाना। तो हम बात करेंगे नेस्टेड इफ और थोड़ी सी एल्स इफ, जो कि पायथन में एल्स इफ जो होता है, एलएफ होता है, एल इफ होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड इफ। ए इफ के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे एन आई एफ का हम प्रोग्राम फाइल फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कि ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं चार सब्जेक्ट की इनपुट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ इंट, इंट के अंदर देता हूँ इनपुट। इंट इसलिए क्योंकि कंडीशंस में आपको वेरिएबल डिफाइन करना जरूरी होता है कि इनपुट, और इसके अंदर हम देते हैं कि एंटर सब्जेक्ट वन मार्क्स मार्क्स, ये दे दिया। अब इसी को मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े, पेस्ट। और यहाँ पे ए के जगह पे बी कर देता हूँ और सब्जेक्ट वन के जगह पे सब्जेक्ट टू कर दिया। यहाँ भी हम सेम इसी तरह से करते हैं, बी के जगह पे यहाँ पे करते हैं सी और यहाँ सब्जेक्ट थ्री। उसके बाद यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे सी के जगह पे डी और यहाँ पे हम सब्जेक्ट फोर करते हैं। तो चार सब्जेक्ट हमने लिया है। तो जैसे माइक्रो रन होगा तो चार सब्जेक्ट का इनपुट मांगेगा। आगे चल के हम इसको अपने प्रोग्राम में जो डेटा हम लोग कहीं से डेटा कलेक्ट कर इम्पोर्ट करें, जैसे कि हमने एक्सेल से किया या किसी और डेटाबेस से, हम इसके अंदर डेटा डालेंगे, चेक करके डालेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही, क्योंकि कोर पायथन में जैसे आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, आगे जो दूसरा लेवल होगा उसमें हम जो है एग्जाम्पल्स और रियल रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम कंडीशन करना है कि चारों सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन आपका 30 हुआ तो पास आना है। तो इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एंड हमने लगाया था, एंड का यूज हमने किया था। बट यहाँ मुझे एंड का यूज कब होता है, जब आपके पास कई सारे कंडीशंस और एक रिजल्ट हो। जैसे एग्जाम्पल में कि हमने लिख दिया इफ, इफ में बोला कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और यहाँ पे एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और फिर यहाँ पे हम देंगे रिजल्ट कि प्रिंट, या मान लीजिए रिजल्ट लेते हैं कि आर इक्वल टू पास या फेल, और फिर यहाँ एल्स में हम देते हैं फेल। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि फेल जो है कौन सा सब्जेक्ट में फेल है, और एंड के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तो हम यहाँ कई सारे कंडीशन तो चेक कर सकते हैं बट कई सारे कंडीशंस के ऊपर कई सारे रिजल्ट नहीं दे सकते। सो यहाँ पे हमें यूज करना होगा नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हमने इफ दिया और पहला कंडीशन दिया कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 सेमी कॉलन करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ इसके अंदर हम दूसरा इफ देंगे कि इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब ध्यान रखिएगा ये इफ इसके अंदर में है तो इसके यहाँ साइड में होना चाहिए, अगर आपने यहाँ कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ वीवीए की तरह नहीं है कि आप कहीं भी कोड लिख देंगे तो कंसिडर करेगा, यहाँ आपको बताना पड़ता है कौन सा कोड किसके अंडर में है। ऐसे यहाँ पे तीसरा देते हैं कि यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 फिर सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे एक और देते हैं इफ कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब ऐसा हुआ तो आर इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा पास, क्योंकि पास करने की पॉसिबिलिटी एक बार है। अब एल्स देना है तो एल्स किसका, ए चौथे इफ का देना है, तो हम यहाँ डिलीट करके चौथे इफ के पास आएंगे और यहाँ पे देंगे एल्स
सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे देंगे आर इक्वल टू, हम यहाँ करेंगे सब्जेक्ट फोर जो है वो फेल है, सब्जेक्ट फोर फेल है। फिर हम टैब यहाँ पे टैब मारते हैं और आते हैं तीसरे इफ के नीचे, और यहाँ हम देते हैं एल्स सेमी कॉलन, और इसके अंदर रिजल्ट देते हैं कि आर इक्वल टू सब्जेक्ट थ्री फेल। और फिर इसको यहां से आते हैं दूसरे इफ में, यहां एल्स देते हैं, और एल्स में यहां हम देते हैं आर इक्वल टू सब्जेक्ट टू इज फेल। और फिर यहां आते हैं, यहां देते हैं एल्स जो पहला इफ है हमारा, इसमें देते हैं कि सब्जेक्ट आर इक्वल टू सब्जेक्ट वन फेल। तो इसको देखिए वर्किंग प्रोसेस कैसे, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम करते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम देते हैं आर। अब ये वर्किंग कैसे करेगा इसको देखिए, सबसे पहले इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद चेक करेगा कि ए 30 से ऊपर है या नहीं, अगर ए 30 से ऊपर है तभी वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज सीधे यहाँ एज पे आएगा और रिजल्ट पे सब्जेक्ट वन स्टोर कर देगा। फिर अगर 30 से ऊपर हुआ तो दूसरा इफ चलेगा, दूसरा इफ को 30 से ऊपर मिला तभी वो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे यहाँ आएगा एल्स में और यहाँ पे आर टू फेल स्टोर कर देगा। देन तीसरा इफ आएगा, अगर तीसरा इफ चला तो तीसरा इफ चेक करेगा कि अगर 30 से ऊपर है तो चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो तीसरा इफ अपना एल्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री पास कर देगा। और फिर चौथा इफ चेक करेगा कि अगर 30 से ऊपर है तो पास होगा, अदरवाइज सब्जेक्ट फोर, मतलब कि अगर दूसरे इफ में पहुंच गया मतलब कि पहला सब्जेक्ट में पास हो चुका है, तीसरे में पहुंचा तो आपका पहला और दूसरा दोनों में पास है, चौथे में पहुंचा इसका मतलब है कि ए बी सी में पास है, और चौथा के अगर इस पेपर आता है ट्रू ट्रू पार्ट में इसका मतलब है कि चारों इफ पास कर चुका है। अब चलिए इसको रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ ये आपके सामने मार्क्स मांग रहा है, अब स्लैश टी नहीं दिया इसलिए सटा हुआ है, तो इसका हमने 50 कर दिया, इसका 60 या इसका 35, इसका 95। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इज यहाँ पे रिजल्ट इज सब्जेक्ट थ्री फेल। अब सब्जेक्ट थ्री फेल क्यों आया, मतलब कि ये आपका ओके, हाँ ये यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू 30 किया हुआ है, हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 करना चाहिए, ये मेरी मिस्टेक है। अब यहाँ पे सब में स्लैश टी लगा देते हैं, स्लैश टी से क्या हो जाएगा टैप दे देगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। अब इसको यहां से रन करते हैं, रन करने के साथ यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वन मांगा, तो सब्जेक्ट वन 35, सब्जेक्ट टू 95, 72 एंड सब्जेक्ट फोर में 66 डाला, एंटर प्रेस किया तो क्या आर इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे बड़े छोटे का फर्क होता है, आज क्या हुआ आज प्रोग्रामिंग में काफी गलतियां हो रही है मुझसे। यहाँ पे 50, 60, 35 एंड 25, एंटरप्रेस करें, रिजल्ट सब्जेक्ट फोर इज फेल, सब्जेक्ट फोर, हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट फोर में हमने क्या डाला हुआ है 25 डाला हुआ है इसलिए फेल दिखाया, तो सब्जेक्ट फोर फेल मतलब कंडीशन चेक कर रहा है। चलिए इसमें कुछ और डालते हैं, यहाँ पे 35, 65, 45 एंड 36, अब यहाँ पे रिजल्ट इज पास दिखा रहा है, तो चारों कंडीशंस इस तरह से चेक करके फिर यहाँ पे इसने पास दिया हुआ है, तो इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ का यूज हम करते हैं। चलिए इसको हम स्टोर कर देते हैं और हम दूसरा फाइल खोलते हैं,
दूसरा फाइल में हम बात करते हैं एलिफ के बारे में, एलिफ डॉट पी आई। अब जैसे कि मेरे पास इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव पे मेरा एक स्लैब है। इंसेंटिव का स्लैब क्या है कि अगर सेल 0 to 40 हुआ तो हमें देना है 5, क्या देना है 500 की इंसेंटिव देनी है। अगर 41 to 80 है तो हमें देना है 1000। ऐसे ही तीन तीन चार स्लैब है, तो कैसे करें? मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल एस इक्वल टू, और एस हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इंट के अंदर आते हैं और इंट के अंदर देते हैं इनपुट बॉक्स, इनपुट सॉरी इनपुट बॉक्स नहीं, इनपुट बीबीए में होता है। यहाँ पे डालेंगे एंटर सेल, और इस बार हम स्लैश टी दे देते हैं ताकि स्पेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देनी है, कंडीशन में कि इफ अगर एस इज लेस देन इक्वल टू 40 हुआ देन हमें आर इक्वल टू 500 शो करना है। फिर यहाँ पे ई एल, यहाँ पे एल सिर्फ नहीं होता, ई एल इफ होता है कि ई एल इफ, और मैंने बोला कि एस इज लेस देन 1000, नहीं 1000 नहीं 40, सॉरी माफ कीजिएगा 40, 40 तो है, 80 करते हैं, 80 ऐसा है। तो यहाँ हम करते हैं आर इक्वल टू 1000, फिर यहाँ वापस आते हैं ई एल इफ देते हैं। ई एल इफ में हम बोलते हैं कि अगर एस इज लेस देन इक्वल टू 100 तो आर इक्वल टू हम बोलते हैं 1500, और फिर यहाँ पे ई एल इफ और बोलते हैं एस इज ग्रेटर देन 100 तो आर इक्वल टू 5000, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर प्रिंट और इसके अंदर डालते हैं द आई एन सी इक्वल टू और कॉमा में हम आर। अब इसको एक बार रन करते हैं, रन करने से पहले चेक कर लें कि कोई बड़े छोटे का फर्क तो नहीं है, कोई भी कॉमा से भी बड़ा छोटा हुआ तो नहीं है, देन इसको रन कीजिए। रन करते हैं, यहाँ पूछ रहा है सेल्स, तो सेल्स में मैं डाल दिया यहाँ पे मान लीजिए 45, तो देखिए 1000 इंसेंटिव दिया है। एक बार और रन करते हैं, इसको पूछ रहा है मान लीजिए सेल्स कितना, 85 कर देते हैं, तो देखिए क्या आ गया 15000। हाँ यहाँ पे गलती से 00 पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं एक बार और रन करते हैं, यहाँ पे देते हैं 105, तो आप देखेंगे सेल्स आ गए 5000। तो एल्स इफ में इस तरह की कंडीशंस आप दे सकते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं एल्स, प्रति कंडीशंस आपको मिलेगी। उसके बाद हम अगला कंडीशन बात करते हैं, हम बात करते हैं मैच केस। तो एल्स इफ के बाद जो अगला टॉपिक आता है मैच केस, मैच केस जो है आगे चल के इस पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं मैच केस के बारे में। एक बार इसको हम सेव कर देते हैं, सेव, और यहाँ पे आते हैं एम केस के बारे में नाम डालते हैं डॉट पी आई मैच केस। मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं, उसको कैसे करें? जी हाँ, मल्टीपल चीजें, तो हमने यहाँ पे लिखा आर इक्वल टू, और ये क्या है स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग में एस टी आर लेते हैं और एस टी आर में लिखते हैं एस टी आर के अंदर इनपुट, इनपुट के अंदर बोलते हैं कि एंटर एंटर कोड सिटी कोड, एंटर सिटी कोड,
अब यहां पे कंडीशन देते हैं, यहां पे देते हैं मैच, और मैच में हम देते हैं कौन सा, मैच में देते हैं आर, मैच आर। अब यहां पे मैच आर केस इक्वल, डबल इक्वल होता है। अगर डीएल हुआ तो सिटी में सी इक्वल टू न्यू दिल्ली, फिर वापस केस केस डबल इक्वल टू, या डबल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां लगा सकते हैं कि अगर एम एच हुआ, हाँ इसमें सेमी कोलन डालना मत भूलिएगा, ऐसा हुआ तो सी इक्वल टू मुंबई। अब यहाँ पे सेमी कोलन डालना भूल गया, और ये देखिए यहाँ पे सी के नीचे रेड आ रहा है क्योंकि तो हमने यहाँ पे लिया टैब नहीं दिया, और यहाँ डबल इक्वल हटा दीजिए, और यहाँ पे सेमी कोलन छूट गया तो सेमी कोलन डाल दो, इक्वल टू हटा दो, इसमें इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट। इसी तरह से नीचे आप दे सकते हैं कि भाई केस डीएल, केस एमएस, एमएस केस एनए, जो भी चीजें डालना है आप इसी तरह से आगे केस में डाल सकते हैं। केस को हम आगे और भी इन डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ। तो यहां पे हमने कर दिया सिटी इज, सिटी इज, और यहां पे कॉमा हम डाल देते हैं अपना रिजल्ट सी। अब इसको रन करते हैं, आई होप इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो सिटी कोड, तो सिटी कोड में मान लीजिए हमने डीएल डाल, देखिए सिटीज न्यू दिल्ली शो हुआ, तो केस भी इसी तरह से काम कर। हालांकि केस की जगह पे हम इफ लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे लिस्ट है इसमें कंटेन वगैरह भी चलता है, कैसे कंटेन वगैरह यूज करते हैं वो भी इसके अंदर चलता है, जो कि हम अगले वीडियोज में आपके साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।